अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द ऑलराउंडर चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुशहाल आबाद होंगे। अल्लाह हम सबको बीमारियों से, परेशानियों से, मुसीबतों से बचाए और हमें तौफीक दे कि हम उनकी सीधी राह पे चले। तो आज इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त पेंटिंग के कुछ आइडियाज़। आप देख सकते हैं, आप इससे आइडिया ले, अपनी पेंटिंग बनाएं। अगर आप बिगनर हैं तो आप भी ऐसे बनाएं, आपके लिए बहुत इजी रहेगा, बहुत सिंपल एंड इजी है। मैंने आपके साथ शेयर किए ये सारे बिगनर्स वाले, मैंने आपके साथ आर्ट शेयर किए ताकि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप इनसे शुरुआत करें तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। अगर आपको कोई सा भी पेंटिंग करना है तो हमेशा एक्रेलिक पेंट का यूज़ करें। कैनवास ले आप अपने लिए, अगर कैनवास महंगे पड़ रहे आपको तो आप किसी बुकरम का कैनवास बना सकते हैं अपने घर में, बहुत ही चीप पड़ेगा आपको वो। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत खूबसूरत इजी एंड सिंपल पेंटिंग है, आप इनसे आइडिया ले अपना बनवाएं। जो बैकग्राउंड का कलर आप हमेशा खूबसूरत रखें और अगर आप उस पर कुछ भी बनाएं तो वो बहुत खूबसूरत लगेगा। आप ट्रीज़ बनाएं, आप सन लुक दें, आप बीच का बनाएं, आप फ्लावर्स बनाएं, आप जो भी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। आप एक्रेलिक पेंटिंग को स्टोन पे भी कर सकते हैं। आप इससे आइडिया लें, अपने डिज़ाइन बनाएं, अपनी पेंटिंग बनाएं। आप किसी चीज़ पे भी पेंटिंग कर सकते हैं, आप ग्लास पे भी पेंटिंग कर सकते हैं, कैनवास पे भी कर सकते हैं, पेज पे भी कर सकते हैं, वॉल पे भी कर सकते हैं। वॉल वाली मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है अपनी चैनल पे। आप अगर वो देखना चाहते हैं, वॉल पेंटिंग करना चाहते हैं, आइडियाज़ लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से आइडियाज़ ले। बहुत ही खूबसूरत मैंने उसमें डिज़ाइन शेयर किए, मैंने सारे बिगनर वाले किए क्योंकि बिगनर को अक्सर आइडियाज़ और डिज़ाइंस का पता नहीं होता तो मैं उनके लिए ज़्यादातर अपलोड करती हूँ वीडियो। आपको जैसे मैंने बताया आप स्टोन पे भी कर सकते हैं। आर्ट बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मैंने आपके साथ शेयर किए वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट में मुझे बताएं आपको कौन सी पेंटिंग ज़्यादा अच्छी लगी है। और आप अगर सीखना चाहते हैं, पेंटिंग ट्यूटोरियल चाहिए आपको तो मैं आपके लिए वो भी बना दूंगी। आपको कौन सा पेंटिंग अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियोस को आगे भी शेयर किया करें मेरे। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो आपको चाहिए कि आप मेरा चैनल विज़िट करें। अगर आपको कोई से भी आइडिया चाहिए होते तो वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाते। आप देखिए इसमें जेली फिश कितने खूबसूरत बनाया है पेंटिंग से। आप आगे देखिए, आगे भी बहुत प्यारे प्यारे पेंटिंग है। ये देखिए, ये गैलेक्सी है, नीचे लेक सा बना हुआ है, पाइन ट्रीज बने हुए, बहुत ही खूबसूरत, इजी बिगनर्स के लिए है। आप अच्छी ब्रश का यूज़ करें, अच्छे ब्रश वाले क्वालिटी वाले ब्रश लिया करें ताकि आपकी पेंटिंग खूबसूरत बने। अगर ब्रश अच्छे ना हो, ब्रिसल्स उसकी अच्छी ना हो तो पेंटिंग आपकी कभी भी अच्छी नहीं बनेगी। और अगर आपका कैनवास पे आप पेंटिंग कर रहे हैं वो जल्दी जल्दी सूख रहे तो आप उसके साथ वाटर स्प्रे करें, बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड होगा। आप ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप एक दिन बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन जाएंगे। हिम्मत ना हारें, अगर एक पेंटिंग अच्छी नहीं बनी दूसरी बनाएं, तीसरी बनाएं, चौथी बनाएं, फिफ्थ अगर आप बनाएंगे आप उससे भी, हर एक पेंटिंग में आपको अपनी क्रिएटिविटी नज़र आएगी। आजकल जो कोरोना वायरस के हालात चल रहे प्लीज़ उसके पूरे पूरे प्रिकॉशंस लें ताकि हमें कोई नुकसान ना पहुंचे और घरों में रहें, बाहर ना जाए ताकि हम भी बच जाएँ और लोग भी बच जाएँ, उनको भी बीमारी ना लगे, हमें भी ना लगे इंशाल्लाह। और अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियोस चाहिए। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।